प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:30 बजे वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को करेंगे संबोधित। कई देशों के नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की आज यूपी और उत्तराखंड में रैली, अल्मोड़ा और कासगंज में जनता से होंगे मुखातिब। यूपी में दूसरे चरण का दंगल तेज। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क अभियान। दूसरे चरण के प्रचार में टक्कर देने उतरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अखिलेश की रामपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं तो जयंत चौधरी की सहारनपुर में 3 रैलियां। सहारनपुर के वोटर्स को साधने उतरेंगे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के चुनावी सहयोगी और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर आज सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे दाखिल। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के चुनाव प्रचार में उतरेगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का परिवार। धुरी में आज भगवंत मान की रैली में शामिल होंगी केजरीवाल की पत्नी और बेटी। उत्तराखंड में एमपी और असम के सीएम लगाएंगे प्रचार में जोर। शिवराज सिंह नैनीताल, यमुनोत्री और चक्राता में मांगेंगे वोट। तो उत्तर भारत में पहली बार प्रचार के लिए उतरे हेमंत विश्व शर्मा, देहरादून और रुद्रपुर में घर घर प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गोवा दौरा। पहले मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर करचोरेम और कर्टोरेम में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से गोवा का 2 दिन का उनका दौरा है। सुबह 11 बजे पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले के पहले भाग का आज है आखिरी दिन। राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूपी में सीएए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस को रद्द करने की गई है मांग। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंघानी की आज फिर होगी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। यूपी में शांतिपूर्ण हुआ पहले दौर का मतदान। 11 जिलों के 58 सीटों पर डाले 60% वोट, लेकिन पिछली बार से कम हुआ है मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा यूपी चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण पूरा हुआ। लोकतंत्र के महोत्सव में अपने वोट का प्रयोग करने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट, एसपीआरएलडी गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त। पहले चरण में बीजेपी का सूपड़ा होगा साफ, सभी मतदाताओं का धन्यवाद। ये सब नाराजगी देख करके हम कह सकते हैं ये 400 भी सीटें गठबंधन जीत सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं डाल पाए वोट। वोटिंग खत्म होने तक मथुरा नहीं पहुंच सके। अखिलेश यादव के साथ बिजनौर की रैली में शामिल थे। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के वोट पर बीजेपी ने साधा निशाना। जेपी नड्डा बोले जयंत ने नहीं किया मतदान। जयंत बोले मुझसे ना डरे बीजेपी, अपनी चिंता करे। चिंता ना करो, तुम्हें वोट नहीं मिल रही। यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद दूसरा दौर की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीख बदली। पहले चरण के लिए अब 27 की जगह 28 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगी वोटिंग। सीएम योगी के वोट की अपील वाले बयान पर विवाद। कांग्रेस आरएलडी ने उठाए सवाल। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जमीनी मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। केरल पर योगी के बयान से भड़के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति सब अच्छा हो जाएगा। योगी के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा कश्मीर से केरल, गुजरात से बंगाल तक भारत बेहद खूबसूरत है, इसकी भावना का अपमान मत कीजिए। यूपी के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के खिलाफ चेतना पांडे को दिया गया टिकट।
यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी के लिए लोगों में जोरदार उत्साह दिखा। मोदी के काफिले के लिए सड़क किनारे खड़े रहे लोग, मोदी ने भी किया अभिवादन। सहारनपुर की रैली में करीब 10 मिनट तक किसानों पर बोले पीएम मोदी, बोले किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम योगी सरकार ने ही किया है। अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे। गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। यूपी की रैली में पीएम मोदी ने दंगों की दिलाई याद। सहारनपुर में बोले, जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा जनता का वोट उसे ही जाएगा। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। पीएम मोदी ने कहा, कुछ पार्टियां वोट के लिए बड़े बड़े झूठे वादे कर रही हैं, इन पार्टियों का वैसे भी कुछ होना नहीं है। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होगी। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे योगी, कहा सत्ता में बैठा एक लड़का दंगा करा रहा था। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। परिवारवाद के मोदी के निशाने पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, हम परिवार का दुख समझते हैं। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। तो चलिए कुछ और फटाफट खबरें देख लेते हैं। यूपी के हरदोई में जेपी नड्डा ने किया ताबड़तोड़ प्रचार, कहा जिन मजदूरों को दूसरे राज्यों से भड़काकर भेजा गया है योगी सरकार ने उनके खाते में डाले पैसे। योगी जी ने सारे हमारे जो श्रमिक भाई थे उनके खातों में पैसा पहुंचाया। योगी जी ने जो श्रमिक भाई बाहर से दिल्ली मुंबई से जिन लोगों को गुमराह करके भेज दिया था उनको बसों से ला करके घर तक पहुंचाया और इसके साथ साथ उनके भी खातों में पैसा डाला। ये दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में रोड शो किया। एबीपी न्यूज से बोली, एक दिन तो मुझे चुनाव लड़ना ही है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने रैली में फिर उठाया हिजाब का मुद्दा। बरेली में बोले, हिजाब पर बीजेपी की राजनीति, मुझ पर गोली चलाने वाले गोडसे की नाजायज औलाद। यूपी के बाद उत्तराखंड की रैली में मोदी ने सेना के बहाने कांग्रेस को जमकर सुनाया, कहा विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जनरल बिपिन रावत को सीरियस बनाने पर सवाल उठाए थे। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। हरिद्वार की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, सब भ्रष्ट निकले, दिल्ली में पीएम नहीं राजा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। राहुल बोले, पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा राहुल सुनते नहीं, बोले मोदी कहना चाहते थे कि राहुल को ईडी और सीबीआई के दबाव का डर नहीं लगता। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं।
मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। हरिद्वार में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की रैली, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और अब देखिए देश और दुनिया की कुछ और खास खबरें फटाफट की रंगत में। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज अहमदाबाद में आखिरी वनडे मैच, अगर टीम इंडिया जीती तो पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप का बनेगा इतिहास। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में कोरोना से ठीक हो चुके शिखर धवन की होगी वापसी, कुलदीप यादव को भी मिल सकता है मौका। अजिंक्य रहाणे का पूर्व कोच रवि शास्त्री पर तंज, कहा ऑस्ट्रेलिया में मेरी कप्तानी में टेस्ट सीरीज जीतने का क्रेडिट किसी और ने ले लिया। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा को टीम में नहीं मिलेगी जगह, टीम इंडिया के इलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने किया फैसला। वर्ल्ड कप अंडर 19 जीतने वाले कप्तान यश धूल का दिल्ली में जोरदार स्वागत, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा मेरा फोकस आईपीएल ऑक्शन पर नहीं, रणजी में दिल्ली के लिए रन बनाने पर है। पूर्व तेज गेंदबाज अबे कुरुविला का चयनकर्ता समिति में कार्यकाल समाप्त, बीसीसीआई के नए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी क्रिकेट कमेटी में 5 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स ने पुनेरी पल्टन को 43 के मुकाबले 26 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई, पटना पायरेट्स की 18 मैचों में 13वीं जीत है तो दिल्ली दबंग और बंगाल वॉरियर्स के बीच मैच 39-39 पर टाई रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।